जलसी स्वामीनारायण एसएससी स्कूल एंड स्पाइसेस सजनन गुरुकुल मालपुआ हार्दिक वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ रुपीस एंड पैसा बाय वन डिजिट नंबर। यू ऑलरेडी लर्न दैट द डिवीजन, ठीक है, ये जो डिवीजन है वो हमें रुपीज और पैसे के करने, ठीक है, जिस तरह से सिंपल डिवीजन कर सकते हैं उसी तरह से करना है, ठीक है। द फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं रुपीज 9.43 बाय 7, ठीक है, आप उसका डिवाइड करना है। तो आप सिंपल जिस तरह से आप सिंपल डिवीजन करते हो उसी तरह से करना है 9.43 डिवाइड 7, ठीक है। यहाँ पे 9 है तो 7 जो दूसरा 7, 9 माइनस 7 2, यहाँ से लिया 4, 7 थ्री जार 21, 4 माइनस 1 3, यहाँ से लिया 0, 7 4 जार 28, 30 माइनस 28 आंसर इज 2, तो यहाँ पे आंसर है 134। अब आपका मेन आंसर आता है 134, ठीक है, बट आपको किस तरह से करना है आगे मल्टीप्लिकेशन में मैंने सीखा है इसी तरह से, ए पॉइंट के पीछे यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आंसर में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है वो आना चाहिए, तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, यहाँ पे 1 एंड 2, तो आपका आंसर आएगा रुपीज 1.34, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन, 5 मीटर क्लॉथ ऑफ रुपीज 288.75, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। मैंने आपको पहले भी आपको सिखाया था कि जब भी आपको ज्यादा की प्राइस दी गई है, यहाँ पे आपको 5 क्लॉथ की प्राइस दी गई है 288.75, ठीक है, और आपको 1 मीटर क्लॉथ की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब भी आपको ज्यादा रुपीज या कोई चीज की प्राइस दी गई और आपको वन चीज की फाइंड आउट करने तो आपको हमेशा करना है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह से करोगे रुपीज 288.75 डिवाइड 5, यहाँ पे आपको दिया गया रुपीज 288.75 डिवाइड 5, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, दैट मींस स्मॉलर डिजिट है, दैट मींस ये स्मॉलर का 2 डिजिट के साथ करोगे 5 के टेबल में 28 तक जाना है, 5 5 जा 25, 28 नहीं आता इसलिए 8 माइनस 5 3, यहाँ से लिया 8, 38, अब 7 5 जा 35, 8 माइनस 5 3, यहाँ से लिया 7, वापस 7 5 जा 35, 7 माइनस 5 2, यहाँ से लिया 5, 5 5 जा 25, रिमाइंडर आया 0। अब यहाँ पे आपका आंसर आया 5775, अब यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाया पीछे से 2 डिजिट के बाद, तो आपका आंसर आया 57.75, दैट मींस 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस क्या है रुपीज 57.75, ठीक है। इस तरह से आपको डिवाइड है वो करना है। फर्स्ट हम करते हैं रुपीज 20.45 डिवाइड 5, ये डिवाइड की साइन है ऑलरेडी लर्न है, 20.45 डिवाइड 5, 5 के टेबल में 20 तक जाना है, 5 4 जा 20 0, यहाँ से लिया 4,
5 के टेबल में 4 नहीं आता है, इट मींस हमने दूसरा डिजिट लिया। तो जब भी आप दो डिजिट साथ में नीचे लेते हैं तो फर्स्ट आपको यहाँ पे 0 है वो लिखना है, ठीक है। 5 के टेबल में 45 तक जाना है तो 9 5 45, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आपको पीछे से टू डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पीछे से टू डिजिट के बाद पॉइंट, द आंसर इज 4.09, ठीक है। ये हो गया आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट वन रुपीज 8.40 डिवाइड 8, एट वन सा एट, एट माइनस एट जीरो, यहाँ से लिया 4। एट के डिवाइड में, एट के डिवाइड में 4 नहीं आता है, वापस आपने दूसरा जीरो लीजिए, जब मीन आपने टू डिजिट एक साथ नीचे लिया तब ऊपर एक जीरो लगाओगे। एट के डिवाइड में 40, एट पैसा 40, तब का आंसर है 105। तब पीछे से टू डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा रुपीज 1.05, ठीक है, 1 रुपीज 5 पैसा, क्लियर। जिस तरह से सिंपल एडिशन करते हो इसी तरह से सिंपल एडिशन ही करना है, बट यहाँ पे सही जगह पे डॉट लगाना भूलना नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं रुपीज 73.60 डिवाइडेड 8 के टेबल में 73 तक जाना है, ठीक है। 8 8 64, 8 9 72, 3 minus 2 1, यहाँ से लिया 6, 8 2 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 लगा दिया। पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, आपका आंसर आएगा रुपीज 9.20, क्लियर। इस तरह से आपको एडी डिवाइड को करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वन रुपीज 59.75 डिवाइड 5, 5 से डिवाइड हो जाए, 5 5 5 5 0, यहाँ पे लिया 9, 5 2 10, वापस 9 से डिवाइड करेंगे, 5 5 5, 9 5 4, यहाँ से लिया 7, और 9 के टेबल में 9 5 45, 7 minus 5 2, यहाँ से लिया 5 5 5 25, रिमाइंडर आया 0, यहाँ पे आंसर है 1195। वापस पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, आंसर आ गया 11.95, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द क्वांटम एंड रिमाइंडर। यहाँ पे आपका क्या, हमने ऑलरेडी क्वांटम भी फाइंड कर दिए, रिमाइंडर तो आपका 0 ही आता था, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर आता है तो आपको लिख लेंगे, बट यहाँ पे आपको क्वांटम और रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है। दैट मीन्स आपका जिस तरह से सिंपल एडिशन करते हो उसी तरह से करना है, ठीक है। बट ये आपका क्वांटम है, आपका रिमाइंडर, ठीक है, वो पर्टिकुलरली साइड में लिख देना है। फर्स्ट वन है 64.46 डिवाइड 7, सेवन के टेबल में 64 तक जाना है तो 9 7 63, 4 minus 3 1, यहाँ से लिया 4, 7 2 40, यहाँ से लिया 6,
यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6 हो गया कॉन्टैक्ट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जो 6 है उसी को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे करना है तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे आपने 0 ऐड किया तो यहाँ पे आपको करना है पॉइंट। ठीक है, समझ रहा, पहले यहाँ पे हम क्या करते थे, जो हमारा आंसर आया लास्ट में हम पॉइंट बताते थे, बट यही डिजिट है इसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, अभी भी हमें आगे करना है, एग्जाम हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। ठीक है, नहीं मिलता है तो अलग बात है, तो हमें रिमाइंडर 0 करना है, हम आगे बढ़ाते स्टेप आगे करना चाहते हैं। यहाँ पे 6 है, 7 के टेबल में 6 आता है और यहाँ पे भी एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर से ले सके, यहाँ पे हमने 0 एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ पे हमने आगे पर पॉइंट कर दिया क्वांटम में। ठीक है, अब यहाँ से हम 60 लाने, 7 एक्स्ट्रा 56। ठीक है, 7 एक्स्ट्रा 63 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 7 एक्स्ट्रा 56, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4। यहाँ पे भी आप आगे अपनी नहीं जा सकते, जो 40 किया तो अब एक ही बार आपको पॉइंट लगा दो, फिर वापस आपको पॉइंट एक ही बार पॉइंट लगा दो, फिर आगे कंटिन्यूस करते जाना। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो ये हुआ हमारा 92.8, यहाँ पे आपको क्वांटम और रिमाइंडर लिखना है, क्वांटम क्या आएगा रुपीज 92.8। अब देखो आपको यहाँ पे पॉइंट के पीछे दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 92.8 है, हमें टू डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, दैट मींस आपका क्या आएगा, यहाँ पे वन डिजिट के बाद पॉइंट के पीछे टू डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट के पीछे वन डिजिट है, दैट मींस हम एक स्टेप अभी भी आगे जाएंगे, हम एक स्टेप आगे गए तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा रुपीज 9.28 और रिमाइंडर आएगा आपका 4। तो ये हो गया क्वांटम, ये हो गया रिमाइंडर। इसी तरह से नेक्स्ट वन हम करते हैं रुपीज 178.20 / 9। अब 9 के टेबल में 17 तक जाना, 9 टू से 18, तो 9 अंसा 9 से ही डिवाइड करेंगे, 17 माइनस 9 आंसर आएगा 8, यहाँ से लिया 8। ठीक है, अब 9 अंसा 72, 9 अंसा 81, 8 माइनस 1 7, यहाँ से लिया 2। ठीक है, 8 माइनस 72, यहाँ से लिया 0, यहाँ पे भी हमने को 0 लिया। ठीक है, ये हो गया क्वांटम, पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्वांटम आएगा आपका रुपीज 19.80 और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपको क्वांटम एंड रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करना है। इसी तरह से हम स्टोरी सम्स के सम्स करते हैं। द फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स इज रुपीज 337.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। 6 बुक की प्राइस दी गई है 337.50 रुपीज, आपको फाइंड करनी है 1 बुक की। ठीक है, तो करेंगे डिवाइड, is rupees 300
post of one rupee. Paragraph 337.50 divide 6. Clear? अब हम 6 के टेबल में 33 तक जाएंगे. 6 5 जा 33. यहाँ से लिया 7. 6 5 जा 35. 6 5 जा 30. 6 6 जा 36. से डिवाइड करना. 7 minus 6 1. यहाँ से लिया 5. 6 2 जा 12. 6 3 जा 18. बड़ा हो जाएगा. 6 2 जा 12. 5 minus 2 3. यहाँ से लिया 0. तो 6 5 जा 30. तो यहाँ पे आंसर आया 5625. पीछे से 2 डिजिट के बाद तो रुपीज 56.25. तो वन बुक की प्राइस कितनी आएगी? 56 रुपीज 25 पैसा. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट वन हम समझ करते हैं. फोर चिल्ड्रन सेल्स रुपीज 335 इक्वली हाउ मच विल ईच चाइल्ड रिसीव. अब फोर चिल्ड्रन है वो इक्वली डिवाइड करते हैं 335 रुपीज को. ठीक है. तो वन चाइल्ड को कितने रुपीज में लेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे रुपीज है 335 डिवाइड 4. ओके टेबल में 33 जब जा रहा है. ठीक है. तो 33 नहीं आता है तो उससे कम वाले डिजिट से लेंगे. ये 4 जा 32. ठीक है. 3 minus 2 1. यहाँ से लिया 5. 4 4 जा 16. 4 3 जा 12. 5 minus 2 3. ठीक है. अब देखो यहाँ पे 0 करोगे तो भी 4 के टेबल में 30 नहीं आता है. यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया. ठीक है. अभी भी हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से करेंगे. यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉइंट. यहाँ 4 के टेबल में 33 तक जाना है तो 7 4 जा 28. 30 minus 28 आंसर है 2. यहाँ पे 0. 5 4 जा 20. That means यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वन चाइल्ड को कितने रुपीज मिलेंगे? 83.75 रुपीज. ठीक है. तो ये हो गया. क्योंकि यहाँ पे पीछे पॉइंट के पीछे 20 है. That means यहाँ पे पैसे दिए ही नहीं गए. रिमाइंडर ये ऑलरेडी आपको रुपीज ही दिए गए 335 रुपीज. ठीक है. और हम देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आ रहा है. यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है. ठीक है. तो यहाँ पे 83.75 रुपीज वन चाइल्ड को मिलेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट वन फाइंड आउट करें. फोर बार्स ऑफ सॉप कॉस्ट रुपीज 27 रुपीज. हाउ मच डज वन बार कॉस्ट? फोर बार सॉप की प्राइस है 27 रुपीज. तो आपको वन बार सॉप की फाइंड आउट करनी. तब क्या करोगे? 27 डिवाइड 4 रुपीज 27 डिवाइड 4. ओके. 7 4 जा 28. तो 6 4 जा 24. 7 minus 4 3. यहाँ पे से हमने लिया 0. तो 8 4 जा 32 ज्यादा हो जाएगा. 7 4 जा 28 2. यहाँ से 0. यहाँ पे लिया पॉइंट. 5 4 जा 20. अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है. यहाँ पे पॉइंट के पीछे
वन डिजिट है, तो यहाँ पे 67.5 दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पीछे टू डिजिट, यहाँ पे वन डिजिट के बाद कोई नहीं। अभी भी आप एक स्टेप आगे जाएगा, ओके आंसर आएगा 6.75, दैट मींस 1 बार 100 की प्राइस क्या है 6.75। ठीक है, इस तरह से आपको स्टोरी सम्स है और डिबेट के जो सम्स है वो करने हैं। एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। थैंक यू जय श्री स्वामीनारायण एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।